यस नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है हम अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम आज मंडी के अंदर सरसों की अराइवल और भाव के बारे में जानने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ में मंडी के व्यापारी भी हैं और साथ में मंडी के अध्यक्ष हैं सुरेश जलालपुरिया जी। उनसे हम जानेंगे कि आज मंडी के अंदर कितनी सरसों की अराइवल है और क्या भाव मंडी के अंदर सरसों के चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। आज मंडी के अंदर कितनी सरसों की अराइवल है और क्या भाव है? मार्केट टाइम टीवी को मैं सबसे पहले तो इस बारे में धन्यवाद दूंगा कि वो सारे देश की मंडियों के भाव आम जनता को उपलब्ध कराता है। अलवर कृषि उपज मंडी में आज 3 से 4 हज़ार कट्टे सरसों के आवक है और दिन पर दिन सरसों की आवक कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण किसान का सरसों में रुझान, अभी जैसे समर्थन पर 5600 रुपये में तुल रहा है। दूसरा, अभी विदेशी तेलों में जो मद्दा है, विदेशी तेलों के अनुसार सरसों के तेल के भाव तय होते हैं, इसलिए मंडियों में सरसों आवक कम हो रही है। अभी विदेशी तेलों में जो भाव कम है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? विदेशी तेलों में सरकार द्वारा आयातित तेलों पर ड्यूटी जो निःशुल्क फ्री कर रखी है, उसका कारण तेल आयातित तेल मध्य पड़ते हैं, उसका वजह से हमारे सरसों तेल की खपत कम हो जाती है। क्योंकि आम जनता और आम खोमचे वाले आम हलवाई जो तेल सस्ता होता है उसको यूज करता है, इसलिए सरसों तेल की मांग कम रहती है। अभी अगर अपन महीने भर या 10 दिन या 15 दिन पहले की बात करें सरसों की आवक और सरसों की भाव के बारे में, तो क्या भाव थे और आज क्या भाव है? सरसों के भाव अगर मैं 15 दिन पहले की बात करूं तो आवक 8 से 10 हज़ार कट्टी की थी और भाव भी करीब करीब यही थे, 5000 रुपया, कभी ऊंचा कभी नीचा चल रहा है। नीचे में 5100, ऊपर में 5200 के भाव एक महीने हो गए। अभी व्यापारियों का कहना यह है कि सरसों की जो है आवक के बारे में कि भाई अब मील जो है बंद होने के कगार पे, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सरसों मील बंद होने के करार पर विदेशी तेलों का कारण है। विदेशी तेल सस्ते होने की वजह से उन मील वालों का माल पूर्णतः नहीं बिकता और तेलों की पूर्ति विदेशी तेल कर रहे हैं। तो अभी पूरे देश भर में कितनी सरसों की का उत्पादन है और कितना सरसों जो हमारे राजस्थान की बात करें या देश की बात करें तो हमारे यहाँ 5 लाख बोरी पूरे देश में आ रही है, जो पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन ये अगर विदेशी तेल अगर महंगे हो तो ये बहुत कम है। तो अभी सरकार जो नई बनने वाली है, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से भाव? सरकार से हम अपील करेंगे कि आयातित तेलों पर शुल्क लगाएं, जिससे जो देसी तेल है वो जिंदे रह सके, हमारा किसान खुशहाल हो सके और विदेशियों में विदेशी मुद्रा ना जाए। तो अभी किसानों को भाव की अगर बात करें तो किसानों को मंडियों में भाव बहुत कम मिल रहा है, 5000 से 5200 के भाव मिल रहे हैं। समर्थन मूल्य पर तो आप भी समझते हैं कि किसान का सारा माल नहीं तुल पाता। समर्थन मूल्य जरूर 5600 रुपया है, लेकिन किसान का माल बहुत कम मात्रा में तुलता है। अभी MSP की बात करें तो मंडी में खरीद केंद्र चालू हुआ सरसों का या नहीं हुआ? और MSP मंडी में सरसों केंद्र खरीद चालू नहीं होता, वो राजफेड अपने अलग तरीके से, अलग इसकी नोडल एजेंसी है, वो मंडी के बाहर अपना उन्होंने काटा लगा रखा है। हमारे साथ में यहाँ के जो व्यापारी और अध्यक्ष थे सुरेश जलालपुरिया जी, उन्होंने हमको यहाँ सरसों के बारे में अराइवल और भाव के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेशी तेलों के जो भाव है उसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी और आगे किस तरह सरसों के भाव रहने वाले हैं उसको लेकर लगातार मार्केट टाइम टीवी की जो टीम है लगातार मंडी में जा रही है और लगातार भाव के बारे में जानकारी ले रही है। नितिन शर्मा, अलवर।